हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंजल एकेडमी फ्रेंड्स इससे पहले मैंने 11 वीडियो टीजीटी प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की अपलोड कर दी है और ये 12वां वीडियो है और हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस की सीरीज जा रही हैं जो प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस हो रही है आठ वीडियो जो कि लिटरेचर के गए हैं जो चारों ऑथर के हैं फिर चाहे वो शेक्सपियर हो मिल्टन हो वर्ड्सवर्थ हो या गैल्सवर्थी हो और आठ के बाद ये चार वीडियो ये चौथा वीडियो है इट मीन्स कि मोर देन हंड्रेड यू नो क्वेश्चन यू विल गेट अबाउट व कैब का आपको ये चौथा वीडियो जा रहा है तो एक सौ बीस वर्ड्स आज कंप्लीट हो जाएंगे और अगर चार ऑप्शन को जोड़ लिया जाए चारों ऑब्जेक्ट चारों जो ऑप्शनस हैं तो ऑलमोस्ट छः सौ वर्ड्स आपके पास पहुँच जाएंगे तो वर्ड से मतलब नहीं है कहने का मतलब ये है कि आपके लगभग यू नो 120 क्वेश्चंस आज आप लोगों को मिल जाएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं और 100 वीडियोस अपलोड करने का मैंने फैसला लिया है डिसीज़न लिया है कि 100 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा जिसमें सारी ही चीज़ें आपकी आ जाएंगी और एग्जाम तक आपके एग्ज़ाम की डेट तो अभी आई ही नहीं है एग्ज़ाम तक कोशिश पूरी रहेगी कि आपको यू you नो know, मिल जाए हंड्रेड वीडियोज और अगर समय मिलेगा तो फिर से रिविजन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा वेरी क्विक रिविजन फास्ट रिजन एकदम ठीक है चलिए आदि ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड है जिसे चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स सो द फर्स्ट वर्ड इज रेस्पलेंडेंट रेस्पलेंडेंट का मतलब होता है चमकीला सो so, चार ऑप्शन हैं आपके सामने वंडरफुल डार्जलिंग ब्यूटीफुल एंड रिस्पेक्टफुल वंडरफुल डार्जलिंग ब्यूटीफुल एंड रेस्पेक्टफुल तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सोच करके बैठिए मैं तुरंत आपको आंसर दे रहा हूं और मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करिएगा सो so, जो बी ऑप्शन है डी डेजलिंग डेजलिंग विल बी द ऑप्शन बी डेजलिंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड रेस्प्लेंडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वर्ड है कॉर्पुलेंट कॉर्पुलेंट यस मोटा या चर्बी युक्त ठीक है डी कारपोलेंट का मतलब ही होता है मोटा या चर्बी युक्त ठीक सो ऑप्शन ए फ्लैशी ऑप्शन बी थे ऑप्शन सी स्टाउट ऑप्शन डी बोनी जी चलिए फिफ्टी फिफ्टी खेलते हैं इसमें यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो थिन और बोनी को तो हटा दीजिए बोनी मतलब हो गया हड्डी वाला और थिन मतलब पतला तो बचा फ्लैशी और स्टाउट बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन है यहां पर और लोग गलत करके आ सकते हैं मैं फिर से ध्यान रखिएगा सिनोनिम नहीं पूछ रहा हूं मैं क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा हूं आई होप मेरा मतलब आप समझ गए होंगे यस स्टाउट ऑप्शन सी स्टाउट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड कॉर्पुलेंट नेक्स्ट वर्ड इज क्वेबल सूक्ष्म आपत्ति क्वेबल सो ऑप्शन ए टू डिनाई ऑप्शन बी टू ट्रेम्बल ऑप्शन सी टू आर्ग्यू और ऑप्शन डी टू एग्जामिन बताइए यस yes, सूक्ष्म आपत्ति कहने का मतलब थोड़ी बहुत बहस हो सकती है सो टू आर्ग्यू ठीक है डी ऑप्शन सी टू आर्ग्यू नेक्स्ट है प्राइवेशन नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेशन जिसका मतलब होता है वंचना या असुविधा ठीक है तो अब यहां पर ये इस तरह के अगर ऑप्शंस आ जाएं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं चलिए बताइए ऑप्शन ए डोमिनेंस, ऑप्शन बी डेप्रीवेशन ऑप्शन सी सिक्रेसी और ऑप्शन डी इम्प्रिजनमेंट ऑप्शन ए डोमिनेंस ऑप्शन बी डेप्रिवेशन ऑप्शन सी सिक्रेसी और ऑप्शन डी इम्प्रिजनमेंट। जी बताइए असुविधा वंचना मतलब कोई चीज़ आपको आप वंचित कर दिया जाए आपको उस चीज से तो यहां पर आपका ऑप्शन बी डेप्रीवेशन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड प्राइवेशन सो ऑप्शन बी डेप्रीवेशन सही होगा नेक्स्ट है रेटिकेंट 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 मौन रहने वाला रेटिकेंट मतलब मौन रहने वाला ऑप्शन ए सेंसिटिव ऑप्शन बी सिक्रेटिव ऑप्शन सी नॉट फीलिंग वेल ऑप्शन डी नॉट सेइंग मच। ऑप्शन ए सेंसिटिव ऑप्शन बी सिक्रेटिव ऑप्शन सी नॉट फीलिंग वेल ऑप्शन डी नॉट सेइंग मच। रेटिकेंट मौन रहने वाला आप जानते हैं रेटिकेंट। जी हाँ ऑप्शन डी नॉट सेइंग मच एक बात और ध्यान रखिएगा इसका रिजर्व भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा ना बोलता हो शांत रहता हो रिजर्व तो नॉट सेइंग मच यहां पर इसका सही आंसर होगा डियर ऑप्शन डी नेक्स्ट है इंडिक्टमेंट इंडिक्टमेंट इसका मतलब होता है कलंक लांछन ठीक है डियर सो ऑप्शन है अरेन्जमेंट अरेंज नहीं अरेन्जमेंट ऑप्शन बी इंट्रेपमेंट ऑप्शन सी इंडोक्ट्रिनेशन और ऑप्शन डी इंड्यूसमेंट ऑप्शन ए अरेन्जमेंट ऑप्शन बी इंट्रैपमेंट ऑप्शन सी इंडोक्ट्रिनेशन ऑप्शन डी इंड्यूसमेंट जी तो ऑप्शन ए अरेन्जमेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड इंडिक्टमेंट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा अरेन्जमेंट ठीक है डी नेक्स्ट है आपका एपस्टिमिस एप्स्टीमियस मतलब संयमी संयमी ऑप्शन ए रेजिस्टेंट ऑप्शन बी टेम्परेट टेम्परेट ऑप्शन सी सुपरस्टिशियस और ऑप्शन डी केयरफुल ऑप्शन ए रेजिस्टेंट ऑप्शन बी टेम्परेट ऑप्शन सी सुपरस्टिशियस और ऑप्शन डी केयरफुल जी हाँ ऑप्शन बी टेम्परेट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड एप्स्टिमियस नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी डिपैरिटी ऑप्शन ए एनमिटी ऑप्शन बी इनइक्वालिटी ऑप्शन सी डाइवर्सिटी और ऑप्शन डी सेग्रीगेशन ऑप्शन ए एनमिटी ऑप्शन बी इनइक्वालिटी ऑप्शन सी डाइवर्सिटी और ऑप्शन डी सेग्रीगेशन जी हाँ डिस्पैरिटी का मतलब ही है इनइक्वालिटी ऑप्शन बी इनइक्वालिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड दैट इज डिस्पैरिटी ठीक है नेक्स्ट है रेक्टिफाइज लगभग सभी को पता होगा रेक्टिफाई ऑप्शन ए लेकिन यहां भी मिस्टेक कर सकते हैं करने वाले ऑप्शन ए अंडू ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऑप्शन सी डायरेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन ए अंडू ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऑप्शन सी डायरेक्ट और ऑप्शन डी करेक्ट जी बताएं बहुत से लोग अंडू पे जाएंगे कि यार उसको सुधार देना है गलती हो गई है फिर से पहले वाली पोजीशन में हो जाना है लेकिन जरा सोच करके देखिए अगर आप गलत हो पहले और अब सही हो जाएं तो क्या फिर से गलत होना चाहेंगे जी नहीं तो इसका अंडू नहीं ऑप्शन डी करेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड दैट इज रेक्टिफाई नेक्स्ट वर्ड एब्सर्ड एब्सर्ड बेतुका ऑप्शन ए फीबल ऑप्शन बी चाइल्ड लाइक ऑप्शन सी डेवियस और ऑप्शन डी फुलिश ऑप्शन ए फीबल ऑप्शन बी चाइल्ड लाइक ऑप्शन सी डेवियस और ऑप्शन डी फुलिश जी बताएं एब्सर्ड का मतलब ही होता है डियर ऑप्शन डी फुलिश सो ऑप्शन डी फुलिश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड दैट इज एब्सर्ड नेक्स्ट वर्डन डिक्शन मतलब होता है शब्द चयन सो ऑप्शन ए सीवियरिटी ऑफ प्रोज ऑप्शन बी डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम ऑप्शन सी सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर और ऑप्शन डी पोइटिक डिवाइस जी हां ऑप्शन ए सीवियरिटी ऑफ प्रोज ऑप्शन बी डिवाइसेज ऑफ मीटर एंड राइम ऑप्शन सी सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर एंड ऑप्शन डी पोइटिक डिवाइस ऑप्शन सी सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर डिक्शन का मतलब ही है सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड वर्ड इज अफेक्टेशन अफेक्टेशन मतलब होता है दिखावा अगर दिखावा ना लिखा होता तो शायद ये वर्ड टिपिकल हो जाता आप लोगों के लिए इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन अब यहां पे दिया हुआ दिखावा अफेक्टेशन इट मींस ऑप्शन ए एडोरेशन ऑप्शन बी आर्टिफिशियलिटी ऑप्शन सी अप्रिसिएशन और ऑप्शन डी प्रोफिशियंसी जी हाँ बताइए ऑप्शन ए एडोरेशन ऑप्शन बी आर्टिफिशियलिटी ऑप्शन सी एप्रिसिएशन और ऑप्शन डी प्रोफिशिएंसी। एफेक्टेशन का आंसर देना है जी हां दिखावा मतलब आर्टिफिशियलिटी ऑप्शन बी आर्टिफिशियलिटी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड दैट इज अफेक्टेशन नेक्स्ट वर्ड इज डिस्डेनफुल डिसडेनफुल मतलब होता है घिनौना ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा डिसडेनफुल घिनौना सो ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटरी ऑप्शन बी डिस्कर्सिव ऑप्शन सी डिस्पैशनेट और ऑप्शन डी डिस्मिसिव जी बताइए डिस्टेनफुल डिस्क्रिमिनेटरी ऑप्शन बी डिस्कर्सिव ऑप्शन बी डिस्पैशनेट और ऑप्शन डी डिस्मिसिव डिस्टेनफुल का बताना है घिनोना जी हां ऑप्शन डी डिसमिसिव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड डिजेंट नेक्स्ट वर्ड इज इन नेक्स्ट वर्ड इज इन्योर्ड ऑप्शन ए बींग इनडिफरेंट ऑप्शन बी एक्सपोज ऑप्शन सी बींग सेंसिटिव और ऑप्शन डी एक्स्टमड ऑप्शन ए फोर्टीन इन्योअर्ड जो है वर्ड उसके लिए ऑप्शन है बींग इनडिफरेंट ऑप्शन बी एक्सपोज ऑप्शन सी बींग सेंसिटिव और ऑप्शन डी एक्स्टम्ड जी हाँ ऑप्शन डी अकस्टम्ड ए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड इन नेक्स्ट वर्ड इज इन इन विंडोज इन विंडोज असभ्य जी इंडिकेशन ऑप्शन ए इंडिकेशन ऑप्शन बी इंस्पायरिंग कोट्स ऑप्शन सी विटी रिमार्क्स और ऑप्शन डी इंसिनवेशन ऑप्शन ए इंडिकेशन ऑप्शन बी इंस्पायरिंग कोड्स ऑप्शन सी विटी रिमार्क्स और ऑप्शन डी इंसिनवेश बताइए डी यस ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज इनवेंडोज नेक्स्ट वर्ड इज ओबेसेंस ओबेसेंस कर्तव्य पूर्ण करने वाला ऑप्शन ए होमेज ऑप्शन बी पिलग्रिमेज ऑप्शन सी सब्जुगेशन ऑप्शन डी ऑब्लिगेशन ओबेसेंस कर्तव्य पूर्ण करने वाला ऑप्शन ए होमेज ऑप्शन बी पिलग्रिमेज ऑप्शन सी सब्जुगेशन, ऑप्शन डी ऑब्लिगेशन जी ऑप्शन ए होमेज विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज ओबेसेंस ऑप्शन ए नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट एलिवियट कम करना सो ऑप्शन है इरेडिकेट ऑप्शन बी रिमूव ऑप्शन सी अंडरस्टैंड ऑप्शन डी लेसन जी ऑप्शन ए इरेडिकेट ऑप्शन बी रिमूव ऑप्शन सी अंडरस्टैंड ऑप्शन डी लेसन बताइए कम करने का मतलब होता है डियर यहां पे अगर आप जानते होंगे तो बता देंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और ऑप्शन डी लेसन एल ई डबल एस ई एन ध्यान दीजिएगा वर्ड थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुई है इसलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूं एल ई डबल एस ई एन लिसन मतलब होता है कम करना नेक्स्ट वर्ड है सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड दैट इज एलिट नेक्स्ट वर्ड है डियर अप्रेजल मूल्यांकन अप्रेजल जिसका मतलब होता है मूल्यांकन ऑप्शन है एस्टिमेशन ऑप्शन बी एनलाइटमेंट ऑप्शन सी अप्रोप्रिएशन और ऑप्शन डी एप्लीकेशन ध्यान दीजिए ऑप्शन है एस्टिमेशन ऑप्शन बी एनलाइटनमेंट ऑप्शन सी अप्रोप्रिएशन ऑप्शन डी एप्लीकेशन अप्रेजल का जी हां ऑप्शन ए एस्टिमेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज अप्रेजल नेक्स्ट है डियर इनडोमिनेबल अदम्य या न बदलने वाला इनडोमिनेबल ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन बी अनकंट्रोलेबल ऑप्शन सी डोमिनेटिंग और ऑप्शन डी अनयल्डिंग अनयेल्डिंग इंडोमिटेबल का बताना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा अनकंट्रोलेबल होगा डोमिनेटिंग होगा या अनएल्डिंग होगा जी हां अनएल्डिंग ऑप्शन डी अनयल्डिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड इन नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल मीन्स लगातार ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट ऑप्शन बी रियल ऑप्शन सी मिस्टेकन ऑप्शन डी पेनफुल परपेचुअल लगातार ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट ऑप्शन बी रियल ऑप्शन सी मिस्टेकन ऑप्शन डी पेनफुल जी कॉन्स्टेंट ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड दैट इज परपेचुअल स्क्रीन शॉट आप नहीं ले पाए हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए ये ले सकते हैं अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट ये दूसरी बार ये वर्ड आ गया है आई होप इस बार आप मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया था इसको आप अलग स्पेलिंग हो जाएगी तो उसका मतलब कुछ और होगा और फिलहाल इसका मतलब कुछ और है तो ध्यान दीजिए एसेंट मतलब होता है सहमति सो ऑप्शन ए डिस्पैच ऑप्शन बी क्लाइम ऑप्शन सी फ्लेवर ऑप्शन डी अग्रीमेंट जी एसेंट सहमति यस ऑप्शन डी अग्रीमेंट विल बी द करेक्ट अग्रीमेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड एसेंट नेक्स्ट वर्ड इज एबंस एबेयंस मतलब ठहराव मतलब ठहराव ऑप्शन ए टी सस्पेंशन ऑप्शन बी एब्सटीएंस ऑप्शन सी हेट्रेड और ऑप्शन डी मेमोरी ऑप्शन ए टेम्पररी सस्पेंशन ऑप्शन बी एप्सटीएंस ऑप्शन सी हेट्रेड ऑप्शन डी मेमोरी जी हां डियर ऑप्शन ए टेम्पररी सस्पेंशन ठीक है ठहराव का जो होगा यहां पे क्लोजेस्ट मीनिंग होगा टेम्पररी सस्पेंशन नेक्स्ट वर्ड इज टेनोर तत्व तो या आशय सो नेक्स्ट so, वर्ड इज टेनोर ऑप्शन ए काइंडनेस ऑप्शन बी एफर्ट ऑप्शन सी ड्यूरेशन ऑप्शन सी ड्यूरेशन ऑप्शन डी परपोर्ट टेनोर का क्या होगा ऑप्शन ए काइंडनेस ऑप्शन बी एफर्ट ऑप्शन सी ड्यूरेशन ऑप्शन डी परपोर्ट जी टेन टेनोर का ऑप्शन डी परपोर्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज टेनोर नेक्स्ट वर्ड इज टेन और शांत करना या शांत रहना इसका मतलब होता है शांत करना या शांत रहना ऑप्शन ऑप्शन ए ब्लो अप बी टू कीप क्वाइट ऑप्शन सी टू रिमूव ऑप्शन डी वाइंड अप जी हाँ शांत करना या शांत रहना तो यहां पे क्लियर है अक्सर लोग बोलते हैं टू कीप क्वाइट सो ऑप्शन बी टू कीप क्वाइट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज हु नेक्स्ट वर्ड है डेफियंस डेफियंस मतलब अवज्ञा किसी की बात न मानना सो ऑप्शन ए अटैक ऑप्शन बी डिसंस ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑप्शन डी शाइनेस ऑप्शन ए अटैक ऑप्शन बी डिसबिडियंस ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑप्शन डी शाइनेस जाहिर सी बात है यहां पे लिखा हुआ प्रॉपर वर्ड है तो ज्यादा सोचना नहीं ऑप्शन बी डिसबिडियंस डिसऑबिडियंस मतलब किसी की अवज्ञा करना बात नहीं मानना सो ऑप्शन बी डिसबिडियंस विल बी द करेक्ट वर्ड फॉर द वर्ड करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड डेफियंस नेक्स्ट वर्ड इज गैरिश नेक्स्ट वर्ड इज गैरिश मतलब उभरा हुआ उभरा हुआ गैरिश ऑप्शन सुन लीजिए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऑप्शन बी बोल्डली अरेंज ऑप्शन सी अनप्लीजेंटली गॉडी और ऑप्शन डी केयरफुली प्रिपेयर्ड इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो कन्फ्यूज करते हैं तो बताइए ऑप्शन ए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऑप्शन बी बोल्डली अरेंज ऑप्शन सी अनप्लीजेंटली गॉडी और ऑप्शन डी केयरफुली प्रिपेयर्ड गैरिश जी हां डी बिल्कुल सही ऑप्शन सी अनप्लीजेंटली गॉडी जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन वर्ड गैरिश के लिए नेक्स्ट <laughs> वर्ड है प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट मतलब तेज ऑप्शन है हैसन ऑप्शन बी एडवांस ऑप्शन सी अराइव और ऑप्शन डी इंस्टिगेट जी हाँ ऑप्शन है हैसन ऑप्शन बी एडवांस ऑप्शन सी अराइव और ऑप्शन डी इंस्टिगेट प्रेसिपिटेट का मतलब तेज होता है ऑप्शन ए हैसन यस ऑप्शन ए हैसन विल बी द करेक्ट आंसर और ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज प्रेसिपिटेट मतलब तेज हैसन मतलब भी वही होता है नेक्स्ट वर्ड है डियर इंपरेटिव नेक्स्ट वर्ड है इंपरेटिव ध्यान दीजिए इम्परेटिव मतलब होता है अनिवार्य अनिवार्य ऑप्शन ए नेग्लिजिबल ऑप्शन बी इनडिफरेंट ऑप्शन सी सिग्निफिकेंट और ऑप्शन डी अर्जेंट जी ऑप्शन ए नेग्लिजिबल ऑप्शन बी इनडिफरेंट ऑप्शन सी सिग्निफिकेंट ऑप्शन डी अर्जेंट जी ऑप्शन डी अर्जेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड दैट इज इंपरेटिव नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूड मतलब घुसपैठ इंट्रूड मतलब घुसपैठ या जहां पर आवश्यकता ना हो वहां पर पहुंच जाना जहां पर उसकी कोई जगह ना हो सो ऑप्शन ए फॉल्ट ऑप्शन बी डिस ऑप्शन सी इंटरप्ट ऑप्शन डी लीव जी हा डियर ऑप्शन सी इंटरप्ट जहां पर किसी की किस जरूरत ना हो जबरदस्ती घुस जाना इंटरप्ट ठीक है सो ऑप्शन सी इंटरप्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड दैट इज इंट्रूड नेक्स्ट वर्ड इज रेपोर्ट ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा रेपोट मतलब घनिष्ठता ऑप्शन ए लव एंड अफेक्शन ऑप्शन बी फुल सपोर्ट ऑप्शन सी हारमोनियस और ऑप्शन डी स्पोर्ट्स मैनशिप रेपोट घनिष्ठता जिसका ऑप्शन है लव एंड अफेक्शन ऑप्शन बी फुल सपोर्ट ऑप्शन सी हारमोनियस एक ऑप्शन डी स्पोर्ट्स मैन बताएं क्या सही होगा जी हां ऑप्शन सी यस ऑप्शन सी हारमोनियस अकॉर्ड विल बी द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड रिपोर्ट सो ये आपके थर्ड ईयर इसका स्क्रीन शॉट पहले आप ले लीजिए जी चलिए ठीक है तो ये थे आपके थर्टी क्वेश्चंस इस वीडियो के इस प्रैक्टिस सेट के और फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं डीएसयू वेरी सुन विद नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद एंड डियर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो और चैनल बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिले एंड प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर सो दैट पीपल कैन यूज़ इट मोर एंड मोर थैंक यू एंड जय हिंद